इतने सालों से हम तैयारी करते हैं आर्मी भर्ती होने के लिए, कॉलेजेस में, स्कूल्स में एनसीसी ज्वाइन करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, ग्रेड लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने एज लिमिट रखी है 17.5 साल से लेके 21 साल। 21 साल के बाद वाला क्या करेगा? क्या लगता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने से इसका कोई हल निकल सकता है? केंद्र सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँच सकती है? लेकिन अगर हम पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करेंगे तो उससे क्या होगा? क्या ही होगा, बस डिस्ट्रॉय ही होगी। जो फैसला है वो सरकार का है, इसलिए उनको इस स्कीम में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स लानी चाहिए। 40,000 सैलरी मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी। मरने के बाद उसे कोई डेजिग्नेशन नहीं मिलेगी, कोई उसको प्राप्ति नहीं मिलेगी, कोई उसको रैंक नहीं मिलेगा, और मरने के बाद उसको बीमा दिया जाएगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। 4 साल के बाद ज़्यादातर जनता अनएम्प्लॉयड होगी, उसके वजह से उन्होंने कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम ही करने हैं। अगर मेरा ड्रीम है, अगर मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ, तो 4 साल तक मैं आर्मी में सर्व कर रही हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगी? क्योंकि 5 साल सरकार रहने के बाद उनको रैंक मिलता है, जबकि वो इतना हार्ड वर्क नहीं करते पॉलिटिशियंस, वो उनके रैंक होते, लेकिन आर्मी में जो रैंक होता है वो मरने के बाद जो रैंक मिलता है, एक परमवीर चक्र एक रैंक होता है जो मरने के बाद दिया जाता है। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो ध्यान टाइम्स, मैं हाँ प्रबलीन कौर। जिथे गल की जाती है देश भर के अग्निपथ स्कीम को लैके रोस जताया जा रहा है नौजवानों के वलों, पब्लिक प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उत्थे अज लुधियाने के भी जिहड़ा घटना वापरी है, जिथे कि लुधियाने के रेलवे स्टेशन के उत्ते भी अग्निपथ की अग जी पहुँच चुकी है, तो उत्थे गल की जाती है पूरे देश भर के नौजवानों के वलों इस खिलाफ जिहड़ा रोस जताया जा रहा है। उत्थे ही जे गल की जाती है एनसीसी स्टूडेंट्स की, तो एनसीसी स्टूडेंट्स वलों तैयारी की जाती है कॉलेज टाइम तो ही कि अगे जाके फौज के भर्ती होया जाएगा, तो उन्होंने इस स्कीम दे बारे पुछदे हां कि उन्हां नूं इह फैसला सरकार दा किस तरह लगदा है, क्योंकि गल कीती जांदी केंद्र सरकार दे वल्लों इह फैसला तां लै दित्ता गया, पर इस फैसले दा इन्हां नूं किन्ना कु फायदा या नुकसान होवेगा उह आपां इन्हां नाल गल्लबात करके देखदे हां। क्या नाम है आपका? माई नेम इज सोनम एंड आई एम एनसीसी कैडेट। सो जो ये आज जो इन्होंने निकाला है कि अग्निपथ स्कीम निकाली है, उसमें बेनिफिट्स भी हैं और लॉस भी है। बेनिफिट की अगर बात करें तो जो आज का जो यूथ है, काफ़ी यूथ जो है वो बेरोज़गार बैठा है, और कईयों का ड्रीम होता है कि वो आर्मी में सर्व करे, तो इस स्कीम की वजह से जो आर्मी में नहीं कर पाते सर्व, जिनका ड्रीम होता है लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाते, वो कर सकेंगे, इससे इनकी ड्रीम पूरा हो सकेगा। लेकिन अगर इसका कुछ लॉस भी है, अगर मैं लॉस की बात करूँ तो लॉस ये है कि इतने सालों से हम तैयारी करते हैं आर्मी भर्ती होने के लिए, कॉलेजेस में, स्कूल्स में एनसीसी ज्वाइन करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, ग्रेड लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने एज लिमिट रखी है 17.5 साल से लेके 21 साल। 21 साल के बाद वाला क्या करेगा? 4 साल सर्व करेगा, 40,000 सैलरी मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, मरने के बाद उसे कोई डेजिग्नेशन नहीं मिलेगी, कोई उसको प्राप्ति नहीं मिलेगी, कोई उसको रैंक नहीं मिलेगा, और मरने के बाद उसको बीमा दिया जाएगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। बीमा तो अगर ये हो गया ना कि अगर देश को सर्व करने के दौरान आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो वो आपके लिए बीमा बनाया हुआ है, पर बात आती है कि 4 साल के बाद जब आपने आर्मी को सर्व किया अपनी पूरी मेहनत लगन से, उसके बाद आपको कोई डेजिग्नेशन, कोई रैंक नहीं मिला, तो ये फैसला सरकार का आपको ठीक लग रहा है? ये फैसला काफ़ी हद तक सही नहीं है, क्योंकि जो मतलब इंसान काम करता है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी रैंक को हासिल करने के लिए। अभी एनसीसी कैडेट हमें भी ये सिखाया जाता है कि आप जो कर रहे हो उसको रैंक के लिए कर रहे हो, हमें भी रैंक मिलते हैं। अगर हम कंट्री के लिए सर्व करें और हमारे पास रैंक ही नहीं है तो उसका कोई तो बेनिफिट ही नहीं है कुछ करने का, इसलिए उनको रैंक का करना चाहिए। ये ठीक है उन्होंने जो ये शुरू किया, लेकिन उसमें थोड़ा इम्प्लीमेंट लेके आएँ, एज बढ़ाएँ, पेंशन की बात करें, साथ में उन्होंने ये कहा कि 4 साल तक सर्व करना, उसके बाद उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, अगर वो मेरिट उनकी अच्छी रही तभी उनको रखा जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा यूथ? फ्री हो जाएगा, बिल्कुल बेरोज़गार हो जाएगा, क्योंकि 4 साल उसने अपनी आर्मी में दे दिए और वो कुछ और करने के लायक ही नहीं बचा, इसलिए उनको थोड़ा इम्प्लीमेंट लेके आना चाहिए। उन्होंने जो स्कीम बनाई है ठीक है, लेकिन थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन लेके आना चाहिए, थोड़ा बदलाव करें ताकि यूथ इसको समझ सके प्रॉपर तरीके से। और भी बात करने चाहूँगी, अच्छा ये पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय बहुत हो रही है, इसके बाद अगर देखा जाए पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, रेलवे स्टेशन के ऊपर नौजवानों की तरफ से आग लगाई जा रही है, आज लुधियाने में भी ऐसा कुछ हुआ है, क्या लगता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने से इसका कोई हल निकल सकता है? केंद्र सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँच सकती है? देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने से ऐसे कोई प्रॉपर सोल्यूशन तो नहीं आ सकता, ये है कि उन तक हमारी बात पहुंच सकती है कि जो जनता है वो इस फैसले से खुश नहीं है। लेकिन अगर हम पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करेंगे तो उससे क्या होगा? क्या ही होगा, बस डिस्ट्रॉय ही होगी। जो फैसला है वो सरकार का है, इसलिए उनको इस स्कीम में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स लानी चाहिए। आपके मुताबिक क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए इसके?
इम्प्रूवमेंट इन द केस, जैसे अभी बताया कि हमें 4 साल की ट्रेनिंग के बाद कोई डेजिग्नेशन नहीं मिलेगी, ठीक है, 4 साल तक हम ठीक है, हम एम्प्लॉयड हैं, लेकिन उसके बाद तो हम अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे ना, तो इसके लिए उनको जहाँ तो थोड़ा टाइम ड्यूरेशन सेट करें और एक डेजिग्नेशन की बात करें, ताकि जो यूथ है उनमें थोड़ी सी मोटिवेशन भी रहे कि हमने आर्मी ज्वाइन की है और हमें इस बात का अभी तक कि फ़ायदा हो रहा है कि हमने ज्वाइन की है, हमारे पास रैंक है, हमारे पास डेजिग्नेशन है, हमने कुछ किया है। तो कितना, जैसे आप एज अ गर्ल आप सोचते हो कि मैंने आर्मी में पार्ट मतलब लेना आगे जाके कंट्री को अपनी सर्व करना है, पर अब जो ये स्कीम आई है उससे ये नहीं लग रहा कि मैंने गलती नहीं कर दी कि अब मैं इस ड्रीम की तरफ चल रही हूँ, आने वाले सालों में 4 साल सिर्फ एम्प्लॉयड रहूँगी, उसके बाद फिर मैं बेरोज़गार हो जाऊँगी, कैसा लग रहा है? फैसला तो वैसे गवर्नमेंट का गलत ही है, क्योंकि 4 साल के बाद ज़्यादातर जनता अनएम्प्लॉयड होगी, उसके वजह से उन्होंने कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम ही करने हैं। अगर मेरा ड्रीम है, अगर मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ, तो 4 साल तक मैं आर्मी में सर्व कर रही हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगी? बेरोज़गार, अगर आर्मी में मुझे कुछ नुकसान होता है, मेरे हाथ पैर कुछ भी होता है, उसके ऐसे मुझे कोई प्राइवेट सेक्टर कोई जॉब नहीं मिलने वाली, तो मैं अनएम्प्लॉयड ही बैठी रहूँगी, फिर फ़ायदा क्या है उसका? इससे बढ़िया इसको थोड़ा सा लिमिट को थोड़ा बढ़ाया जाए, इंप्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है, वरना ये दंगे फसाद तो होते ही रहेंगे। अभी उसकी स्कीम की जो है वो भी नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगी 1-2 दिन में, या आज ही शायद हो जाए, क्या लगता है अभी सरकार को इससे पहले ही कोई चेंजेस लेके आनी चाहिए स्कीम में, क्योंकि देखा जाए कि पूरे देश भर में नौजवानों की तरफ से ये स्कीम जो है वो अपोज की जा रही है, हर जगह पे दंगे होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अगर लुधियाने भी बात की जाए, लुधियाने में भी आज सुबह ऐसा हुआ है रेलवे स्टेशन के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ ऐसे खिलवाड़ करना या नौजवानों का गुस्सा ऐसे जाहिर होना, ये बिल्कुल सही है? पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करके वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, तो मेनली हमें सरकार तक बात पहुंचानी है तो थोड़ी बहुत तो बातचीत होनी चाहिए, बट पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे ज़्यादातर ये नुकसान ही होगा, बट फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। सरकार तक थोड़ी बहुत बात पहुंचेगी, वो थोड़ा बहुत एक्शन लेंगे, पर इस नियम को इम्प्लीमेंट करने से पहले ही इनको चेंज कर लेना चाहिए। वैसे एक और सवाल मेरा रहता था कि अगर बात की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की या किसी भी पॉलिटिकल रैंक की, 5 साल तक एक पार्टी रूल करती है, उसके बाद उनकी डेजिग्नेशन जो है वो वैसे ही रहती है, पर आर्मी में 4 साल की डेजिग्नेशन जो रहेगी उसके बाद आपको कोई भी उस रैंक तक नहीं जाना जाएगा, कोई भी उस नाम से नहीं जाना जाएगा, क्या लगता है ये बिल्कुल सही है कि अगर सरकार को 5 साल के बाद वो डेजिग्नेशन और पेंशन मिलती है फिर आर्मी में क्यों ऐसा नहीं? मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जो उन्होंने कहा है कि डेजिग्नेशन नहीं मिलेगी ना ही पेंशन मिलेगी, सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है, वो कंट्री के लिए सर्व करेगा, मर जाएगा वहाँ पे, सब मतलब सब कुछ करेगा वहाँ पे रह के, अपनी फैमिली से दूर सब कुछ अपने ड्रीम पूरा करने के, लेकिन जब 4 साल बाद उसे कोई रैंक नहीं मिलेगा तो वो, जबकि 5 साल सरकार रहने के बाद उनको रैंक मिलता है, जबकि वो इतना हार्ड वर्क नहीं करते पॉलिटिशियंस, वो उनके रैंक होते, लेकिन आर्मी में जो रैंक होता है वो मरने के बाद जो रैंक मिलता है, एक परमवीर चक्र एक रैंक होता है जो मरने के बाद दिया जाता है, वो सबसे बड़ी मतलब अचीवमेंट होती है, अगर वो रैंक ही नहीं होगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं आर्मी ज्वाइन करने का। इससे यूथ और सोचेगा कि नहीं, आजकल यूथ में क्या ख्याल आता है कि बाहर जाना चाहिए, आर्मी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, और इस अगर इम्प्लीमेंट अगर नहीं किया गया, इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लाई गई, तो उनका यही ध्यान होगा कि हमें सच में ही बाहर जाना चाहिए, आर्मी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। वही जो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो जो यूथ है वो ऑब्वियसली वही सोचेगा कि हमें बाहर जाना चाहिए। तो ये स्कीम आपके मुताबिक, अगर आप यहाँ पे कंट्री को सर्व करने के लिए तैयार हो रहे हो, तैयारियाँ कर रहे हो, तो आपके मुताबिक आपको ये एक स्कीम किसी हद तक ठीक लग रही है, किसी हद तक नहीं लग रही? मैम, 50% ठीक है, 50% गलत है। 50% इसलिए ठीक है क्योंकि ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा सर्व करने का। गलत ये है कि ना रैंक मिलेगा और ना कोई सिक्योरिटी मिलेगी, ना मेडिकल फैसिलिटी, कुछ भी नहीं मिलेगा जो आर्मी मैन को दिया जाता है, तो उनको थोड़ा इम्प्रूवमेंट लेके आना चाहिए। सरकार जो करती है अच्छे के लिए करती है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है और वो उनको लेके आना चाहिए, ताकि जो आज का यूथ जो तोड़फोड़ कर रहा है वो इसको रोक के इसके बारे में सोचे। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। तो ये तुम सुने इन्हों की जोड़े NCC वाले स्टूडेंट्स है कॉलेज के तैयारियां तो लगे हुए हैं कि इन्होंने आने वाले समय के NCC जी है ज्वाइन करते करते आर्मी के पार्ट लैना है, तो देश में सर्व करने वास्ते जिथे कि इन्हों तैयारियां चल रही उत्थे इन्हों वालों ये सवाल भी सरकार के उत्ते उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों इस तरह हो रहा है कि सरकार जी है 4 साल के बाद उन्होंने वालों फैसला लिता गया केंद्र सरकार वालों कि 4 साल बाद डेजिग्नेशन नहीं दी जाएगी, पेंशन नहीं दी जाएगी, तो सवाल सरकार वास्ते वड्डा उठता है कि
सरहदा दे बैठे वो जिहड़े फौज दे आर्मी वाले जिहड़े हैगे ऑफिसर्स वो यही सोचते रहणगे कि चार सालों के बाद सानू जो रिटायरमेंट हो जाएगी उस रिटायरमेंट तो बाद सानू खाण नू रोटी नहीं मिलेगी, असी अनइंप्लॉयड हो जाएंगे, पेंशन नहीं मिलेगी। तो यह सवाल जिहड़े ने सरकार वास्ते वड्डे उठाए जा रहे हैं, उत्थे ही देश भर दे विच इसका रोस भी जताया जा रहा है नौजवानों के वालों। तो आने वाले समय के देखने वाला होगा कि नोटिफिकेशन के कोई इंप्लीमेंटेशन होंगी है या नहीं होंगी, नोटिफिकेशन के कोई भी चेंजेस आते हैं या नहीं आते, कि सरकार जो भी फैसला लेंदी है वो इन्हां दे हित विच हुंदा या नहीं हुंदा, कि इस तरह जिहड़े ने नौजवान उन्हां दे वल्लों रोस जताया जाएगा। तो होर वधेरी अपडेट्स लई तुसीं देखदे रहो लुधियाना टाइम्स, कैमरामैन दर्शी दे नाल मैं प्रवलीन कौर।